Like, comment, and subscribe. न्यू ब्लॉग जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक खैर करिए? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर खैरियत से ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मुझे कल से दोस्तों ने मेरी नाक में दम किए हुए कुछ ना बहुत ही कमीने खबीस किस्म के दोस्त होते हैं जो तो हर वक्त खाने की फरमाइश करते रहते हैं, और उनकी फरमाइश ये थी कि आज आपने व्लॉग जो बनाने अपने घर में ही बनाने और कुछ हमें बना के खिलाएं। तो उसी चक्कर में मैं अभी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए आया हूँ, थोड़े बहुत सामान ख़रीद के। तो आज हम व्लॉग घर में करेंगे और साथ के साथ कुकिंग करेंगे। तो आप मेरे साथ रहना है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पहला आइकन प्रेस तक आने वाली नोटिफिकेशन में आप मेरे साथ हो सकें भाईजान। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, आप मुझे सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं, हम सामान लेके आते हैं और आज रात का व्लॉग जो है ना हम कुकिंग करेंगे इंशाल्लाह घर के अंदर ही। शॉपिंग मॉल में एंटर हो गया हूँ और बस अभी अपनी लोकेशन पर चलते हैं जहाँ जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ख़रीदारी करते हैं। और सबसे पहले तो मुझको जो है ना सबस मिर्च चाहिए। सबस मिर्च चीज़ मैंने ले ली है, साथ है मुझे वाटरमेलन नज़र आ रहे थे बहुत ज़बरदस्त हुए, मैंने एक वाटरमेलन भी ले लिया है और धनिया लेना है, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। इसमें धनिया मेरा ख्याल है ये पड़ा हुआ है, हमें एक गड्डी काम में काफ़ी रहेगी आज के लिए और आगे भी यूज़ में हम कर लेंगे इसको जो है। कुकिंग वाली क्रीम है और ये केक वाली कुकिंग वाली, तो हम ये कुकिंग वाली क्रीम भी उठाएंगे आज इसको यूज़ करना है कुकिंग में जो है। ऑलरेडी मैंने सब चीज़ों का मैंने वेट भी करा लिया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आज व्लॉग जो है हमारा बाहर नहीं होना, आज हमारा व्लॉग जो है वो किचन के अंदर ही चलना है जो है, क्योंकि कुछ दोस्तों की दावत उन खबीसों ने बहुत तंग किया हुआ था कि आज जो है ना कंट्रोल खाना आपके हाथ के खाना है। तो सोचता रहा फिर जहन में चलो यार आज उनको जो है ना कुछ बना के भी खिला देते हैं, इसी बहाने आपको भी साथ ले लेते हैं, आपको भी मेरी रेसिपी के बारे में पता चल जाएगा। ये रेसिपी जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, इसके बीच में कोई टमाटर नहीं डलने, कोई प्याज नहीं डलने, सिर्फ चिकन है, मलाई है, क्रीम, जिसको क्रीम जो है स्पेशल है, कुकिंग क्रीम है, ये दूसरी क्रीम नहीं है। कुछ लोग जो है ना वो जो केक पे यूज़ करते हैं वो क्रीम डाल लेते हैं, ये वो क्रीम नहीं, एक्चुअल में कुकिंग क्रीम है। ये हो गया। और इसके साथ मैं ये शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आया था, ये मैं यूज़ करूँगा। और इसके साथ थोड़ा सा नमक, और इसके साथ ही हम जो है ना ये मैं आपको दिखा सकूँ सफ़ेद मिर्ची। जी आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात करूँ, मैं मैं आज मलाई चिकन की बात करूँ। आज हम सफ़ेद मलाई चिकन बनाएंगे और बस अभी मैं गोश्त ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया मैंने कटिंग करना जो है, आपने मेरे साथ ही रहना है ताकि आपको रेसिपी का बहुत ईजी है बनानी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और क्विक मैक्सिमम गोश्त अगर आपका कटा हुआ है 10 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी रेडी है आपकी जो है। तो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के मोटे मोटे बता दिए हैं इसके, इसमें मलाई डलनी है, क्रीम, मलाई मतलब क्रीम, कुकिंग क्रीम जो है, याद रखिएगा केकों वाली क्रीम नहीं जो है, साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है, अगर आप घर में फ्रेश निकाल लेते हैं वेल एंड गुड, मैंने वैसे मैं तो शान का यूज़ करता हूँ क्योंकि परदेश में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। और उसके साथ फिर ये ग्रीन चिल्ली और ये कुरेंडर धनिया जिसको हम बोलते हैं जो है, और साथ ये चिकन जो ऑलरेडी मैंने काटना शुरू किया हुआ है, अभी आपके सामने ही है, कटिंग मैं इसकी कर रहा हूँ जो है। तो ऑलमोस्ट ये कटिंग भी इसकी हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है इसकी जो है। ये बनाना बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी जो है। चिकन मेरा ऑलमोस्ट मेरा जो है ना वो रेडी हो चुका है, चिकन की मैंने कटिंग वटिंग कर दी थी मैंने। मर्द हजरात के लिए ना ये कुकिंग करना बड़ा अजाब का काम है, सही बात है, बहुत ही अजाब का काम। अरे कहना क्या चाहते हो? मर्दों के लिए कुकिंग करना जो है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी है, परदेश में अपना काम सारे खुद ही करने होते हैं। और ये रेसिपी क्योंकि बनानी बहुत इजी थी इसलिए मैं इसको सजेस्ट किया कि इसको हम जो है ना साथ ही बनाना भी इजी, जल्दी बन भी जाएगी जो है। मैंने चिकन लिया है 900 ग्राम, और उसके लिए ये आधा डब्बा क्रीम के बीच में डाल जाना है इसका। इसके अलावा हमने कोई लाल मिर्ची नहीं डालनी है, कोई सूखा धनिया, गर्म मसाला कुछ भी नहीं डालना हमने जो है।
अभी ये चिकन का जो ब्रश पीस है ये मुझे असल थोड़ा सा मुश्किल लगता है काटना जो है। गोश्त की हमने ऑलमोस्ट कटिंग कर ली है और अभी ये जो धनिया है सफ़ेद तेज हो रहा है सब्ज़ धनिया इसको मैंने वॉश किया है। धनिया भी काटते हैं हम साथ साथ जो है ताकि जो जो काम कटिंग वाले हैं हम साथ साथ ही अपने कर दें जो है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर हर चीज़ आपकी रेडी है तो मैक्सिमम 10 मिनट में ये डिश रेडी हो जाती है और ये बनानी भी बहुत ईजी है। घर में अब इजीली अवेलेबल है हर चीज़। अगर उसके लिए आपको टमाटर प्याजों की ज़रूरत है ही नहीं काटने वाटने में जो है उसकी टेंशन भी नहीं आपको पड़नी जो है। तो अभी मैं आपको ये चूल्हा मान कर देते हैं अपने हमने बर्तन को चूल्हे पर रख दिया और अभी साथ जैतून का तेल जो है मस्ट है गुड है मतलब दूसरे तेलों से ही बेस्ट है जो है ये बीच में हम डाल देते हैं इसके बीच में जैतून का तेल आस पे ज़रूरत अपनी जो है। अगर आप ये देख ही सकें कि धनिया मैंने काट के ऑलरेडी रेडी कर दी है सब्ज़ मिर्च मेरी रेडी है चिकन भी मैंने रेडी कर दिया अपना पीस कर दिया है और बर्तन के बीच में मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है और थोड़े से चूल्हे को धीमी आंच पे गर्म होने देते हैं जो है। इसके बीच में हम ये शान का जो मसाले जाते हैं मैं देखिए उसका जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है और इसके साथ ये क्रीम जो है अभी हम इसके बीच में गोश्त को बीच में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हमने गोश्त को ऑयल के अंदर हल्का सा इसको हमने रेड करना है। इसमें अभी मैं नमक ऐड करूंगा और साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी इसके बीच में मैं ऐड करूंगा बीच में। अभी तकरीबन एक पूरा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसके बीच में साथ ये नमक ये भी तकरीबन हसबे ज़ायका जो है जितना आपका टेस्ट है जो है जिस लिहाज से जितना आप यूज़ करते हैं स्टार्ट में थोड़ा कम डाल लें उसमें ये होता है कि अगर बाद में अगर नमक थोड़ा सा कमती बन और डाल लेते हैं लेकिन ये कि ज़्यादा ना हो और इसके बीच में भी हम इसको हिलाते हैं। हमने गोश्त को उस टाइम तक हमने इसको हिलाना है जिस टाइम तक ये गोश्त पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। अभी अगर आप देखें मैंने अभी बीच में डाल दी है अभी इसको बीच में हम लोगों ने हिलाता रहना है और इसको फ्राई जब तक कि इस गोश्त का कलर चिकन का कलर बिल्कुल ब्राउनिश ना हो जाए मतलब बिल्कुल लाइट नहीं रखना आपने वाइट वाइट ना बिल्कुल ब्राउनिश हो जिसको कहते हैं गोश्त फ्राई हो जाना गोश्त फ्राई हो जाए जो है। इसके बीच मैंने अभी नमक डाला सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और जैतून का तेल और गोश्त के बीच में मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया जो है। तो जिस टाइम गोश्त ऑलमोस्ट हमारा नज़दीक लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा जो है हमने गोश्त को ये रेसिपी मैं आपको 110% बताता हूँ कि ये रेसिपी जितने भी बड़े बड़े कैटरिंग वाले होते हैं वो ये यूज़ करते हैं सेम प्रोसीजर है। क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी या क्वांटिटी थोड़ी हो जाएगी वो अलग इशू है रेसिपी इनकी है ये मुझे इसलिए पता है कि क्योंकि हमारे कुछ हैं जाने वाले जिनके जिनसे मैंने रेसिपी सीखी थी ये मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा चीज़ में बना चुका हूँ ऑलरेडी बहुत दफ़ा जो है और इसको रेडी करने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं इस पूरी रेसिपी को। चिकन 900 ग्राम मैंने यूज़ किया साथ मैंने जो क्रीम है कुकिंग क्रीम मतलब केक वाली क्रीम यूज़ नहीं करनी आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट हरी मिर्च और साथ सूखा साथ धनिया और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च जो है सफ़ेद मिर्च ये वाली ये पाउडर फॉर्म में भी होती है और ये आपको साबत भी मिल जाएगी मतलब दानेदार जो है एक्चुअल में ये दानेदार है इसका कि क्रशर है इस क्रशर को जब मैं घुमाऊँगा तो इससे सारा पाउडर बन के नीचे आ जाएगा जो है। तो ये मेन इन्ग्रीडियंट है ये अगर आपने इसको स्पाइसी करना है या नॉन स्पाइसी करना है इसकी वजह से आपका टेस्ट सारा कंट्रोल होगा इंशाल्लाह जो है।
अभी गोश्त का कलर ऑलमोस्ट अगर आप देखें देखिए चेंज होने लग पड़ा है, इसका कलर ब्राउनिश आने लग पड़ी है। ये इसको उस टाइम तक मैंने करना है जब तक कि पूरा कलर चेंज ना हो जाए और इसकी एक बड़ी प्यारी खुशबू सी होती है, इसके बीच में से खून इस तरह निकल जाए, सब ख़त्म हो जाए। इसमें सिर्फ मैंने नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, इसमें गोश्त को मैं जो है ना हिला रहा हूँ, अगर आपको देख सकें जो है मैंने इसको बिल्कुल ब्राउनिश करना है इसको कलर को। ये डिश है पाकिस्तान में नॉर्मली हम किसी शादी ब्याह के मौके पे बनाते हैं, लेकिन अगर घर में कोई गैर की शेडिंग करनी है, दोस्त आने हैं, मैं कहता हूँ ना टमाटर की ज़रूरत है ना मिर्ची की ज़रूरत है, झटपट में बन के रेडी हो जाती है जो है। कोई इतना बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इसको बनाना बहुत ईजी है ये जो है। हमारा गोश्त ऑलमोस्ट उस पोजिशन में पहुँच चुका है जिसमें हम इसमें अभी क्रीम डालेंगे और बाकी इन्ग्रीडियंट्स अभी इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें मिर्ची है, क्रीम है, हमारा चिकन रेडी हो चुका है जो है, और अभी बस ये क्रीम बहुत ईजी इसमें दिए, खैर इसको इस तरह ढक्कन खोलेंगे और जनाब चीज़ आ जाएगी आपके सामने ही है जो है। तो इसमें अगर अभी देख सकें तकरीबन एक किलो गोश्त में आधा डब्बा मैं इसमें डाल रहा हूँ। अच्छा अभी इसको जो है ना चूल्हे की आँच थोड़ी हम तेज़ करेंगे जो है, क्योंकि क्रीम को स्टार्ट में थोड़ी चूल्हे की आँच तेज़ रखनी है जो है। अब इसके बीच में हमने ऐड करना है सफ़ेद मिर्ची जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, वो ये वाली सफ़ेद मिर्ची के बीच में हम डालेंगे, इसको ऐड करेंगे इसके बीच में जो है सफ़ेद मिर्ची को। अब कल के कमेंट्स में दोस्त कहेंगे यार ये कभी बार व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, कभी कुकिंग तरफ आए होते हैं। ये एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि मैं एंटरटेन के लिए अपने अपने मतलब अपने जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है अपने लिए करता हूँ, दोस्तों जा रहा हूँ साथ में लेकर एंटरटेन करना और इन्जॉय करना। और आज की मैं दोस्तों की छोटी सी दावत करनी थी तो मैंने सोचा इसके साथ इसका व्लॉग भी कर दिया जाए, साथ इसकी कुकिंग का तरीका भी आपको बता दूँ मैं। मैंने इसके अलावा इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं डाले, लास्ट में जब आपको दिखाया था मैंने कि मैं चूल्हे की आँच तेज़ की थी उस टाइम बीच में चिकन डाला था और इसमें ये वो मिर्ची डाल सफ़ेद मिर्ची डाली हुई थी, चूल्हे की जो फ्लेम है बिल्कुल कम कर दी गई है ताकि इसकी मलाई आज से सब रेडी हो जाए जो है। इसके लास्ट में जब हमने मिर्ची काटी थी मिर्ची डालेंगे बीच में और सब धनिया बीच में हम डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आप देखें तो अभी देखें मलाई ने क्रीम से अभी ये ऑयल निकला स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या है कि हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है जो है। बस इसको हम 2-3 मिनट और रखेंगे, उसके बाद हम इसको गार्निशिंग करके हम खाने के लिए मलाई रेडी है। तो ये देखें ना बीच में बर्गर का आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, इस ऑयल का मतलब है कि चीज़ अब खाने के लिए रेडी हो चुकी है। हमारा मलाई गोश्त अलहमदिल्ला रेडी हो गया। इस मलाई गोश्त के बीच में मैंने कोई टमाटर, कोई मिर्ची, कोई कुछ मिनट लहसुन गार्लिक पेस्ट था, सफ़ेद मिर्ची थी, नमक था और क्रीम थी जो गोश्त हमारा था। और ये मैक्सिमम 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट से 15 मिनट मैक्सिमम चीज़ रेडी हो गई है। सब्ज़ मिर्ची तो लाजमी है ना खाने के टेस्ट में जो है, अगर ये ना डाली तो फिर क्या मज़ा आएगा। और गार्निशिंग के लिए हमारा थोड़ा सा धनिया, लीजिए हज़ूर हमारा मलाई चिकन रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र है। और इसके बीच की जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताए हैं पहले जो है, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब बहुत इजी है बनाना जो है। इसमें कोई मैंने बनावटी कोई कुछ भी नहीं, जिसमें कि आप समझे शायद इसमें कुछ और कुछ चीज़ डाली है आपके सामने ही है मलाई चिकन जो है। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मलाई जो है ना वाइट क्रीम के साथ रेडी है खाने के लिए जो है।
मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज का ये व्लॉग और ये कुकिंग का तरीका बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई यूनिक वो बहुत बड़ा कोई तरीका है, रॉकेट साइंस नहीं है कि हर आदमी ना कर सके। अगर किसी आदमी के पास मेरी ये वीडियो है वो आराम से खुद भी घर में बना सकता है सिंपली जो है। कोई बड़ी मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई एडिशनल चीज़ नहीं डाली, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह जो है। और बस अभी दोस्त यार आते होंगे और हम बिस्मिल्लाह करेंगे जो है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो और ब्लॉग बाकी ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे दोस्तों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो आइए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। और मुझे आप दोस्तों की स्पोर्ट्स की बेहद जरूरत है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ने खैर की मजीद हम आगे जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह जो है। देर से दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching and I'll see you guys later.